ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन में पैकेज 7A के पोर्टल 2 में पहली बार मुख्य टनल का ब्रेक थ्रू किया गया। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पूरी परियोजना में यह पहली मुख्य टनल है जिसका निर्माण कार्य सबसे पहले और इतनी जल्दी पूरा किया गया है। यहाँ 500 से अधिक कर्मचारी और मजदूर कार्यरत हैं जो दिन रात इस कार्य को कर रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 125 किलोमीटर के 7 किलोमीटर के दायरे में काम कर रही मैक्स कंपनी ने मेन टनल का ब्रेक थ्रू कर टनल को आर पार कर दिया। टनल का ब्रेक थ्रू होने पर नरकोटा और खांकरा टनल पर कार्य कर रही मैक्स कंपनी के कर्मचारियों ने इस अवसर पर जश्न मनाया। ये रेल परियोजना में पहली मुख्य टनल है जिसका ब्रेक थ्रू हुआ। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी और क्या कहते हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो ये रेल लाइन का प्रोजेक्ट है इसमें पहली बार फर्स्ट ब्रेक थ्रू मेन वाला भी हमने करा है और स्कैप टनल का भी हमने ही करा है। और दूसरा जो भी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी हमने ये ब्रेक थ्रू किया है, इसमें हमारे को हमारे अधिकारी और क्या कहते हैं वर्कर और लेबर और साथ में ग्रामीणों का बहुत सहयोग मिला हमको, जिसकी वजह से ये परियोजना ये जो ब्रेक थ्रू हुआ ये पहले हुआ है। नरकोटा से लेकर खांकरा तक 2 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और ये मेन टनल है, आप देख रहे हैं मेन टनल, इसी में ट्रेन जाएगी। और इसके बगल में जो एक आप टनल अभी देखी आपने जब हम आ रहे थे वो स्केप टनल है, तो उसको भी पहला ब्रेक थ्रू हमने ही करा। पूरी परियोजना का पहला स्केप टनल ब्रेक थ्रू हमने करा लगभग 1 महीना पहले, और ये मुख्य टनल जो है इसका भी जो ब्रेक थ्रू है हम लोगों ने करा है। और ये इसमें लगभग 520 दिन लगे। विषम परिस्थितियां भी रही, कोरोना काल था आरंभ में, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो सारा कुछ को अगर हम देखें फिर भी एक रिकॉर्ड टाइम में हमने उपलब्धि हासिल करी। मतलब इसके लिए हमें थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि मैक्स HSJV ने इसको उपलब्ध किया, इस उपलब्धि को, क्योंकि पूरे आप ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक का 10 पैकेज में ये परियोजना बटी हुई है। 10 पैकेज में ये पैकेज 7A है जो कि टफ भी है बहुत डिफ़िकल्ट भी है, और 9 पैकेज हैं शायद, 9 पैकेज में, 9 पैकेज में ये 7A, वैसे 7B करके 7A 7B करके 10 हो जाते हैं, तो टोटल 9 पैकेजेज हैं। उसमें 7A ने सबसे पहले अपना मुख्य टनल को ब्रेक थ्रू करा, इससे पहले स्केप टनल को ब्रेक थ्रू कर लिया था नरकोटा से खांकरा के बीच में। परेशानियां जो थी शुरुआत में ही थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन थी, लॉकडाउन था, तो उस तरीके से हमने काम को शुरू किया। तो हमारे जो शेड्यूल था हमारे शेड्यूल के हिसाब से हम आगे चल रहे हैं, अगर मैं कहूँगा तो इसमें गलत नहीं होगा, शेड्यूल से पहले चल रहे हैं। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम समय से इस परियोजना को पूरा कर पाएंगे। वही मैक्स इंफ्रा के जनरल मैनेजर राजेश कुमार ने बताया कि ये पहला ब्रेक थ्रू पूरी रेल परियोजना के अंतर्गत नरकोटा खांकरा के बीच पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि मैक्स कंपनी के 500 से अधिक इंजीनियर, एक्सपर्ट और वर्करों की मेहनत से ये काम संभव हो पाया है। उनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत कर बेहद कम समय में इस लक्ष्य को पूरा किया है। उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि राज्य भर में ये पहली मुख्य टनल है जो आर पार हुई है। ये हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें हमारा पैकेज 7A के बीच में T12 प्रोजेक्ट है जो हमारा 7 किलोमीटर लॉन्ग है। इसमें ये मेनली डूगरीपन से लेकर नरकोटा तक का हमारा टनल का स्कोप है, जिसमें आज हमने खांकरा से नरकोटा के बीच में जो 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेचेस था उसमें जो मुख्य टनल है उसका ब्रेक थ्रू किया। इसको हमें कंप्लीट करने में लगभग 520 दिन लगे, जिसमें हमारे कंपनी के अधिकारी और कंपनी के कर्मचारी और जो भी हमारा वर्कफोर्स था सभी ने बहुत पूर्ण रूप से सहयोग किया और सब लोग बधाई के पात्र हैं। साथ ही हमें RVR एंड PMC से भी कंप्लीट बहुत सहयोग मिला हमें। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांकरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फर्स्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ हो गया है, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने मजदूरों के साथ टनल के भीतर जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पंजाब केसरी TV के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।